नमस्कार, मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं फॉरेन खबरी में। यूपी के हालात काबू में आते दिखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इसी के साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान भी 20 तक बंद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इसे आंशिक कोरोना कर्फ्यू बताया है। इस बीच सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इस लॉकडाउन के चलते कोरोना के सक्रिय मामलों में 60,000 की कमी दिखाई दी है। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,66,000 कोरोना के नए मामले आए हैं, जबकि 3,754 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। पिछले 4 दिनों में मरीजों की संख्या 4,00,000 के पार जा रही थी, लेकिन आज इसमें कुछ कमी दिखी है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 21,331 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 278 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ प्रदेश में कल 2,14,977 कोरोना टेस्ट किए गए थे। नेपाल में राजनीतिक आपदा के बीच बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में विश्वास मत नहीं जीत पाए हैं। आज पीएम ओली को निचले सदन में बहुमत साबित करनी थी, इसीलिए सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपने सभी सांसदों को प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान का अनुरोध किया गया था, लेकिन असफल रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार पर झूठा आरोप ना लगाए कि हमने केवल 5.5 लाख वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे, जबकि हमने 1,34,00,000 वैक्सीन मंगवाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों की वैक्सीन विदेशों को बेच रही है, वह जवाब दे कि ऐसा क्यों हो रहा है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फॉरेन खबरें।